हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो बना रहा हूँ बैच नंबर को लेकर के। टैली में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न है कि बैच नंबर क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि बैच नंबर क्या होता है। देखिए, हर एक प्रोडक्ट पर अपना अपना बैच नंबर होता है। जैसे सपोज कीजिए, अगर आप किसी बिस्किट की फैक्ट्री में काम करते हैं, या सपोज कीजिए पार्ले जी एक बिस्किट की कंपनी है, तो इसने अलग अलग अपने जो है बिस्किट बनाने के लिए अलग अलग जगह निर्धारित किया हुआ है। वहाँ पर बिस्किट बनता है, फिर जहाँ पैकिंग होती है वहाँ पर पैकिंग के दौरान उस पर अलग अलग बैच नंबर चिपकाए जाते हैं, ताकि अगर इसमें कोई गड़बड़ी आती है तो आसानी के साथ उस बैच नंबर को ट्रैक किया जा सके, पता करा जा सके कि ये कहाँ से गड़बड़ी आई है, या फिर प्रोडक्ट कहाँ पर दिक्कत हो रही है, प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट खराब निकल रहा है। तो वो बैच नंबर आसानी के साथ आपको ये बता देगा, ट्रैक करने की सुविधा दे देगा, जिसके माध्यम से आप ट्रैक करके ये पता कर पाएंगे कि इस गोडाउन का माल जो है गड़बड़ हुआ था। अब ये सिर्फ किसी बिस्किट कंपनी या किसी अन्य चीज की बात नहीं है, किसी भी चीज में अगर आप बैच नंबर देते हैं, लाइक दवाइयों में देते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि कौन सा दवा एक्सपायरी हो गया, या किस दवा में डिफेक्ट है, या कौन सी दवा जेनेरिक है। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। बैच नंबर बहुत ही यूजफुल है। परचेज में ही आपको बैच नंबर दे देना होता है पैकेट पर, ठीक है। आप टैली में इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं, एक्टिवेशन मैंने सिखाया है कि कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो परचेज करते वक्त ही बैच नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको एडिट करिए बाद में। जैसे एक बार परचेज किया तो बैच नंबर दे दिया, तो अगर सेल करते समय आप बैच नंबर चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, दिक्कत होगी आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में सारा बैच नंबर लगाया जा चुका है। ये बैच नंबर कोई इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, D101 या इस तरह से कोई भी बैच नंबर आप टाइप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपका रिकॉर्ड कहां पर है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए बैच नंबर का यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट वीडियो से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये बैच नंबर क्या होता है, कैसे यूज होता है, क्या इसका यूज है, क्या बैच नंबर को दोबारा से एडिट करके फिर दोबारा डालना सही है। एडिट तो हो जाएगा, एडिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप एडिट कर सकते हो, लेकिन ये सही नहीं है। परचेज करते वक्त ही आप बैच नंबर डाल देते हो और वो बैच नंबर फिर दोबारा से चेंज नहीं किया जाना चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।